We back another video anime. Assalamu alaikum, this is Boy Shiryar Khan. Welcome back my channel ST Sense V. Video ke start mein hum dekhte hain ladkiyan Swellip Man ke bare mein baat ki ke wo dobara chuka hai dusri ladki hoti hai tum sahi kari kafi drama hai. Is anime mein kafi cheeze hologram istemal ki jaise dragon wagera ho gaya ya ghost ho gaya. Ye bhi keh raha hai ki ye koi hologram ghost hai. Koi school girl se puchta hai ki time kya ho raha hai ladki hoti hai tum usse puch lo ki time kya ho raha hai. Swellip Man ladki ke samne aata hai, ladki dar jati hai to wo Swellip Man dobara piche aata hai aur puchta hai dobara se ke time kya ho raha hai. Ladki jab mobile ki taraf dekhti hai to mobile ka time kafi ajeeb behave karta hai aur dobara kehti hai ki mujhe nahi pata. Wo kehta hai ki tumhe nahi pata to tumhe nahi pata. Dobara kehta hai tumhe pata hai kya? Theek hai tum ab se meri hui. To wo ladki pe attack karta hai, ek shield type ka kuch aa jata hai to uske baad ladki pe kuch ajeeb behave hota hai. लड़की चिल्ला रही होती है क्योंकि ऊपर से कुछ शेडो निकलते हुए दिख रहे होते हैं. उस मैन का क्लॉक घूम रहा होता है. उसके बाद लड़की एक बूढ़ी के फॉर्म में आके नीचे गिर जाती है. यहाँ पर दो लड़कियां बात कर रही होती है कि क्या वो मर गई. तो दूसरी लड़की कहती है कि मुझे पक्का नहीं पता. तीसरी लड़की आगे बोलती है चलो हम चल के ढूंढते हैं. वो दूसरी लड़की कहती है मैं देखना चाहती हूँ द स्विलिप मैन को. आगे किसी लड़के को दिखाया जाता है कि वो उठ रहा है बेड से. उसके बाद ब्रश कर रहा होता है. लड़के का दोस्त कहता है कि तुम मुझे अपना होमवर्क दिखा सकते हो दोबारा से. तो लड़का बोलता है कि मुझे पता तुम क्या कहना चाह रहे हो. अच्छा ठीक है मैं तुम्हें भेज दे रहा हूँ लेकिन बेस्ट कॉपी वाला काम नहीं करना तुम्हें खुद से करना होगा. लड़का कहता है कि एक दोस्त दूसरे दोस्त के वक्त ही काम आता है. उसका दोस्त बोलता है कि तुम्हें पता है कल स्कूल में हम लोग से आया था. लड़का कहता है कि हाँ पर किस लिए आया था. उसका दोस्त कहता है कि सुनने में आया कि स्वेल्लेप मैन दोबारा आ चुका है. लड़का कहता है क्या स्कूल में. उसका दोस्त कहता है कि उसने जिसको मतलब मार दिया तो उससे पता चला है कि वो पूछता है कि टाइम क्या हो रहा है. हीरो पुलिस कार को देख के बोलता है कि तो ये असली. हीरो ये सब देख के वो अपने पास का कुछ चीज़ें सोच रहा होता है. हीरो यहाँ पर ब्रेकफास्ट बना रहा है. बनाने के बाद वो अपने डैड को आवाज़ देता है और अपने डैड के पास जाके कहता है कि आज मुझे स्कूल सेरेमनी पे जाना है तो आप प्लीज़ वह बाहर आए. हीरो अपने डैड के रूम में एंटर होता है और देखता है कि उसके डैड उस जगह पर नहीं है. तो वो आगे बढ़ के देखता है कि उसके डैड की रूम में जहाँ पर उसके डैड थे वहाँ पर एक वॉच पड़ा हुआ है. वो अपने डैड को आवाज़ देता है पर उसके डैड कहीं भी नहीं दिखते. तो वो जाके वो वॉच उठाता है. पुलिस हीरो से पूछताछ करती है. पूछती है तुम्हारी मॉम का है. तो हीरो कहता है वो काम में बिजी रहती है दूसरी कंट्री की हेल्प करती है. तो पुलिस हीरो से पूछती है कि तुमने कॉन्टैक्ट किया उनसे. हीरो बोलता है कि हाँ मैंने किया. तो उन्होंने ये सुन के कहा कि काफ़ी शौक हूँ मैं ये सुन के. हीरो ये सब सोच रहा था. उसका दोस्त आवाज़ देता है हीरो हम लोग लेट हो रहे हैं. के टीचर कहते हैं कि अच्छी टाइमिंग है क्या मैं तुमसे कुछ फेवर कर सकता हूँ. टीचर हीरो से कहते हैं कि तुम्हें बस ये बॉक्स स्टोर रूम में रखना. हीरो कहता है क्यों नहीं. हीरो का दोस्त हीरो से कहता है कि हार्ड वर्क लगे रहो. तो टीचर कहता है नोमरा तुम भी हीरो की मदद करो. तो दोनों बॉक्स स्टोर रूम में रख के जा रहे होते. हीरो का दोस्त बोलता है चलो चल के हम देखते हैं कि स्वेल्लेप मैन असली में है कि नहीं. तो हीरो गेट खोलने की कोशिश करता है क्योंकि वो एक्सपर्ट है अपने डैड के डैड से सीख चुका है ये सब. दोनों रूम में घुस चुके और आवाज़ देते हैं कि मिस्टर स्वेल्लेप आर यू हियर. हीरो ऊपर देखता है. लड़के के मोबाइल में टाइमिंग आगे पीछे होने लग जाता है. क्लॉक के भी कांटे आगे पीछे घूमने लग जाते. दोनों आगे पीछे देखते हैं लेकिन कोई दिखता नहीं. उसके बाद आवाज़ आती है. तो उसका दोस्त कहता है या. तो वो आगे पूछता है कि टाइम क्या हो रहा है. उसका दोस्त को देखता है तो पूछता है क्या ये तुमने बोला. उसका दोस्त बोलता है कि नहीं. हीरो बोलता है कि नहीं मैंने नहीं बोला. हीरो का दोस्त इतना एक्साइटेड हो जाता है कि वो कहता है कि स्वेल्लेप मैन असली है वाओ. तो वो आगे पीछे पिक्चर खींचने जाता है. स्वेल्लेप मैन हीरो के पास होते हुए उसके दोस्त के पास जाता है और पूछता है टाइम क्या हो रहा है. दोनों स्वेल्लेप मैन को देख रहे होते हैं. मैन बोलता है कि अब से तुम्हारा टाइम मेरा हुआ. और हीरो के दोस्त के पास जाके बोलता है कि अब तुम मेरे हुए. स्वेल्लेप मैन हीरो के दोस्त की लाइफ खींच लेता है फोर्स और हीरो के पास जाके बोलता है कि टाइम क्या हो रहा है. जैसे स्वेल्लेप मैन हीरो की तरफ वार करने वाला होता है कि उसके टीचर आ जाते हैं लाइट जला के और पूछते कि कोई क्या कोई यहाँ पर है. वो दूसरे टीचर को बोलते कि अदर सेंस से देखे यहाँ एक और स्टूडेंट के साथ ऐसा हो चुका है. और वो हीरो को सेफ जगह पहुँचा देते. घर पहुँचते उससे कुछ गिरने का बात आता है. तो हीरो कहते कि तुम दोबारा मत कहो कि स्वेल्लेप मैन दोबारा आ गया. वो देखते हैं कि नहीं पेन ड्राइव उसके कुछ नीचे गिर गए. वो अपने डैड का वॉच उठाता है और वो कहता है कि क्या शायद ये पेन ड्राइव इस पर लगेगा. तो वो लगाता है उस पेन ड्राइव वो अपने डैड के वॉच पे. तो उससे कुछ होलोग्राम दिखते हैं. हीरो जब इस सब होलोग्राम को देखता है थोड़ा चौंक जाता है और बोलता है क्या. तो एक कोई क्रेचर दिखता है और वो क्रेचर दूसरी तरफ इशारा करता है. तो हीरो उस तरफ देखता है. तो उसके करीब जाके दिखता है कि एक डीजी मैन वहाँ पर बैठा हुआ होता है. डीजी मोहन हीरो को देख के बोलता है कि तुम हीरो अमानुकावा हो.
तो वो हीरो देख के बोलते हैं कि तुम बात कर सकते हो। तो डिजीमैन अपने बारे में डिजीमोन अपना नाम बताता है कि आई एम गम्मामोन। हीरो बोलता है क्या गम्मामोन। हीरो के डैड के होलोग्राम आता है और पूछता है क्या सब कुछ ठीक है। तो उसके डैड बोलता है हाँ सब कुछ ठीक है, क्या तुम सरप्राइज हो गए। हीरो से कहते हैं उसके डैड। हीरो पूछता है अपने डैड से ये सब क्या है, ये सब क्या चल रहा है। हीरो का डैड बताता है कि ये एक डिजिटल वर्ल्ड है जहाँ मैं अभी रह रहा हूँ। हीरो के डैड आगे बताता है कि ये एक गम्मामोन है और ये एक डिजीमोन है। डैड बताते हैं कि ये एक अननोन क्रिएचर इस वर्ल्ड के हिसाब से, लेकिन दूसरे वर्ल्ड में ये एक डिजिटल मॉन्स्टर। हीरो कहता है रुकिए रुकिए, ये बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो रहा है मेरे लिए। तो हीरो के डैड कहते हैं कि अब से ये तुम्हारा छोटा भाई हुआ तो इसका ख्याल रखना, ठीक है। तो बोलता है कि ये मेरा छोटा भाई। गम्मामोन बोलते हैं ये अब से मैं तुम्हारा छोटा भाई हुआ। हीरो के डैड कहते हैं कि अब से तुम्हारी वर्ल्ड चेंज होने वाली है। हीरो डैड से कहता है रुकिए एक मिनट डैड। हीरो जब वो उस वॉच को पहनता अपने हाथ में तो डिजीमोन का एक होलोग्राम दिखता है। जब वो पेन ड्राइव अपने वॉच पे लगाता है तो डिजीमोन उसे सही से दिखने लग जाता है। जब गम्मामोन हीरो के ऊपर मतलब कूद के लिपट, गम्मामोन हीरो से कहता है ठीक है अब से तुम मेरा ख्याल रखोगे। 12 साल बचता है। हीरो समझ जाता है कि स्वेल्ड मैन आ चुका है मेरे घर पे मुझे मारने के लिए। स्वेल्ड मैन बोलता है कि तुम मुझे देख सकते हो सही से। गम्मामोन बोलता है कि मैं गम्मामोन हूं। स्वेल्ड मैन अपना नाम बताता है कि आई एम क्लॉकमोन। हीरो सवाल की तरह पूछता है क्लॉकमोन। गम्मामोन बोलते हैं कि तुम्हें अब क्या काम है। गम्मामोन बिना कुछ सोचे समझे एक क्लॉकमोन के ऊपर हमला कर देता है और शहर से काफ़ी दूर ले जाता है। और अब मैं तुम्हें मारने वाला हूँ, गम्मामोन कहता है कि। क्लॉकमोन गम्मामोन से कहता है कि अब से तुम्हारा टाइम मेरा हुआ। तो क्लॉकमोन गम्मामोन पर अटैक करता है, लेकिन इस अटैक का कुछ ज़्यादा असर नहीं पड़ता गम्मामोन के ऊपर। एक अजीब सा शेडो क्रिएचर आता है गम्मामोन के ऊपर से निकल रहा होता है। हीरो ये सब देख के कुछ सोच रहा होता है। हीरो ने एक डाली उठा के दरख कर गम्मामोन की तरफ फेंका। जब गम्मामोन की तरफ वो डाली गया तो उसके ऊपर तरफ गया था तो वो बड़ा होके क्लॉकमोन के ऊपर गिरी। तो हीरो बोलता है जैसे कि मैंने सोचा। हीरो आगे बताता है कि तुम्हारी पावर चीज़ों को फॉरवर्ड करने की है। क्लॉकमोन कहता है कि नॉट बैड, तुमने इतना भी बुरा नहीं किया इंसान। हीरो कहता है अच्छा ठीक है। तो गम्मामोन कहता है कि हीरो तुमने अच्छा किया। हीरो बोलता है कि मुझे इतना कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन तुम मेरे छोटे भाई हो। तो गम्मामोन कहता है कि ठीक है मैं आज से तुम्हारा छोटा भाई हूँ। आगे गम्मामोन कहता है कि ठीक है अब मेरी बारी। तो अचानक से हीरो के माइंड में एक मूव आ जाता है ब्रेकले। तो दोनों अटैक करने लग जाते हैं। गम्मामोन जब क्लॉकमोन पे वार करता है तो क्लॉकमोन के कुछ घड़ी के हिस्से टूट के गिर जाते हैं और वो सबके लाइफ फोर्स दोबारा से छोड़ देता है। तो जो जिन जिन के लाइफ फोर्स उसने छुड़ाया था वो दोबारा से लोगों के पास चल जाते हैं और वो बच्चे दोबारा से पहले जैसे हो जाते हैं। क्लॉकमोन जाते हुए कहता है कि मैं दोबारा ज़रूर आऊँगा। गम्मामोन कहता है कि हीरो ने मुझे पावर दी। एपिसोड खत्म। तो एपिसोड कैसा लगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताया। तो यार ये न्यू एनिमे था, कुछ दिन पहले ही आया तो मैंने देखा था, मैंने चलो इसे भी एक्सप्लेन कर दिया जाए। तो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब ज़रूर कर।